आपने भारत को देखा ही होगा, भारत ज़्यादातर पलटवार कम ही करता है, लेकिन जब भारत पलटवार करता है तो दोस्त दुश्मन सबको हिलाकर रख देता है। आप जानते ही होंगे तुर्की और चीन ये ऐसे देश हैं जो भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करते नजर आते हैं। चीन की तरफ से बार बार एलएसी में नोकझोंक के साथ ही साथ वो हरदम कश्मीर मुद्दा उठाए रहता है। वहीं तुर्की उसकी कितनी भी क्यों ना मदद कर लो, वो रहेगा उल्लू का उल्लू ही। और हर बार पाकिस्तान का साथ देकर वो कश्मीर मुद्दा उठाता आया है। और तुर्की के इतना सब करने पर भी भारत का जवाब तुर्की को उतना सख्त नहीं था कि तुर्की को फर्क पड़ता। पर अभी जो डेवलपमेंट भारत की तरफ से देखने को मिल रही है उसने तुर्की के पैरों तले जमीनी खिसका डाली है। दरअसल अभी जो भारत ने तुर्की को झटका दिया है उससे तुर्की को $1.5 बिलियन से $2 बिलियन के आसपास का बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि हाल ही में भारत द्वारा तुर्की को एक मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट से लात मार के निकाल दिया गया है। दरअसल तुर्की की नेवल शिप बिल्डिंग कंपनी TAIS और अनाडोलू शिपयार्ड को भारतीय नौसेना के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट जहाज यानी कि FSS बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट मिला था, जिसे अब भारत द्वारा वापस ले लिया गया है। और अब इसकी जिम्मेदारी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि HSL को दे दी गई है, जिसमें रक्षा मंत्रालय ने HSL विशाखापट्टनम के साथ शुक्रवार को 19,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। और भारत के ऐसा करने से सामरिक ताकत तो बढ़ने ही वाली है, साथ ही साथ रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता हासिल करने में बड़ी मदद मिलने वाली है। साथ ही साथ इससे हजारों की संख्या में रोजगार सर्जित होते हुए दिखाई देंगे। बता दें कि अब इन जहाजों का निर्माण स्वदेशी डिजाइन के आधार पर किया जाएगा। वहीं पहले ये तुर्की द्वारा उसकी तकनीक पर आधारित रहने वाले थे, लेकिन अब जब से उसने कश्मीर मुद्दा उठाना शुरू किया है और जब से उसने पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत किया है, तब से भारत ये सोच चुका था कि तुर्की को इस प्रोजेक्ट से निकालना ही सही होगा, क्योंकि नेवल शिप बिल्डिंग कंपनी TIS और अनाडोलू शिपयार्ड जो शिप बनाते वो विशाखापट्टनम में ही बनाते। और ऐसा होता तो ये कंपनियां भारत में निर्मित इन जहाजों की खुफिया जानकारी पाकिस्तान के साथ ना साझा कर दे, जिसको लेकर भी भारत सख्त फैसले लेते हुए तुर्की को बाहर का रास्ता दिखा चुका है। क्योंकि तुर्की की कई शिप बिल्डिंग कंपनियां पाकिस्तानी जहाजों और पनडुब्बियों की मरम्मत और रखरखाव कर रही हैं, इसलिए भारत के लिए यह सौदा घातक सिद्ध हो सकता था। इसलिए समय रहते तो तुर्की को बाहर का रास्ता दिखाना भारत के लिए कूटनीतिक जीत साबित हुई है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में भारत एक बड़ा रिकॉर्ड बनाता हुआ दिख रहा है, जिसमें जहां ग्लोबल रिसेशन की बात की जा रही है, वहीं भारत से होने वाले एक्सपोर्ट में बड़ा उछाल देखने को मिला है, जिसमें भारत का निर्यात बढ़कर $776 अरब के आसपास पहुंच चुका है, जो 2 साल पहले $500 अरब के आसपास था। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक महामारी के कठिन दौर के बावजूद भारत ने यह शानदार वृद्धि हासिल की है, जहां अमेरिका, यूरोप साथ ही अन्य सभी विकसित देश जिसमें चीन भी आर्थिक सुस्ती और मंदी से गुजर रहा है। इसके उलट भारत एक बड़े उलटफेर को अंजाम देता दिख रहा है। भारत सांस्कृतिक स्तर पर रक्षा क्षेत्र में लगातार मजबूती के संकेत देने में लगा है, लेकिन आर्थिक स्तर पर भारत को लंबी दौड़ की जरूरत है, जिसमें अब भारत का एक्सपोर्ट में उछाल बड़ी ताकत देता नजर आ रहा है। बता दें कि भारत दुनिया में 240 से ज्यादा देशों को सामानों को एक्सपोर्ट कर रहा है। यही नहीं, भारत अपने व्यापार घाटे को भी कम करने में कामयाब होता हुआ दिखाई दिया है, जो भारत की इकोनॉमी के लिए शुभ संकेत है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो देश जितना ज्यादा सामान का इंपोर्ट करता नजर आएगा उसकी करेंसी उतनी ही गिरती हुई दिखाई देगी, वहीं जो देश एक्सपोर्ट को बढ़ाने में कामयाब होता हुआ दिखाई देगा वो अपनी करेंसी को मजबूत करता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर भारत का एक्सपोर्ट बढ़े और ऐसा होने से भारत को दुनिया में ग्लोबल लीडर बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा।